हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज 5mg मेकअप। सो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ शादी के बाद पहले दूसरे दिन जब आपको उसे तैयार होना होता है तो क्विक आप कैसे जल्दी से रेडी हो सकते हो और कैसे अपने ससुराल वालों को इम्प्रेस कर सकते हो। तो भाई मैंने एक सिंपल सा इजी बिजी लुक तैयार किया है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेकअप कैसे मैंने इसका मेकअप किया दैट टू सो क्विक और विदाउट यूजिंग फाउंडेशन। आप फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो, तो मेरी जो प्रेफरेंस थी वो मैंने यूज़ किया, आपकी जो प्रेफरेंस हो वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैंने अपना वही पुराना टेक्निक यूज़ कर लिया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया है और अपना सीसी क्रीम लिया है क्योंकि गर्ल्स के लिए मेकअप लुक बना रही हूँ तो सीसी क्रीम ही यूज़ करूँगी, फाउंडेशन नहीं यूज़ करूँगी ताकि आपकी स्किन जो है वो ख़राब ना हो। तो अब इसको मैं क्या करूँगी, अच्छे से अपने फेस पर स्प्रेड कर लूँगी और ये जो है ना आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और आपके मेकअप पे कोई भी ना ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको लगाने के बाद क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और ये जो एलोवेरा जेल होता है ना ये स्किन में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है तो आपकी स्किन जो है ना वो इवन टोन भी नहीं रहेगी। नेक को नहीं भूलना है, मेकअप आप जब भी करो तो फेस के साथ साथ आपको इसको भी यूज़ करना है। तो बेस मेरा रेडी हो गया है और ये अच्छा लगता है, नॉर्मल इजी बिजी सा लगता है, ज़्यादा लीपअप होती नहीं लगती है फेस पे। कभी कभी क्या होता है फाउंडेशन आप लगाते हो वो एकदम वाइट वाइट सा अलग नज़र आता है तो ये ऐसे नज़र नहीं आता है। बहुत ही सिंपल सा मैं तैयार कर रही हूँ मेकअप लुक, कुछ फास्ट फॉरवर्ड में अब नहीं लगा रही हूँ मैं, यहाँ पर आपको रियल दिखा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने क्या करा, ये ले लिया है मैंने अपना फेस पाउडर और अपने फेस को सेट कर लिया, बहुत सिंपल सा इजी बिजी लुक आपको दिखा रही हूँ तो जिन्हें मेकअप नहीं आता है करना वो भी आराम से इसको कर सकते हैं। तो जब आपका फेस अच्छे से सेट हो गया दोनों चीज़ों से, अभी आपका बेस जो है ना फेस का वो रेडी हो गया, इट इज़ प्रेजेंटेबल और आप कहीं भी जा सकते हो। तो हम अप्लाई करेंगे थोड़ा सा आई शेडो क्योंकि साड़ी लुक बना रहे हैं तो आई शेडो तो बनता है, तो मैं यहाँ पर पीची टोन का थोड़ा सा आई शेडो अप्लाई करूंगी। ये देखिए दो स्वैप में ये हो गया तैयार और दो स्वैप में ये हो जाएगा तैयार इन आइस पट्टी। अच्छा ब्रश से ये हो गया, इसको जल्दी ब्लेंड करने के लिए क्या करेंगे हम इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। तो ये हो गया रेडी, अब हम अप्लाई करेंगे आईलाइनर। आईलाइनर मैं आज नॉर्मल लगाने वाली हूँ, ज्यादा मोटा नहीं लगाऊंगी। तो ये मेरा लग गया आईलाइनर, चलो इसे दूसरी आंख में भी लगा देती हूँ मैं। तो आईलाइनर मेरा लग गया है, थोड़ा सा मैंने मोटा लगाया है, ये देख लो, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, मीडियम साइज का लगाया है। पिछली बारी मैंने बहुत ज़्यादा मोटा लगा लिया था क्योंकि मुझे वो स्मोकी आई लुक ही करना था। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मस्कारा लगाएंगे और मस्कारे से ना आईज में थोड़ी सी इनहेंस हो जाती है, ठीक है। तो मस्कारा हो गया एंड नाउ दिस इज़ आवर टर्न टू यूज़ ब्लशर, मेरा फेवरेट वाला। तो मैं ब्लशर यूज़ करूँगी और ये भी मैं थोड़ा सा चीकी वाला यूज़ करूँगी, दो टोन एंड इट्स रेडी। यहाँ पर भी दो टोन, अभी कैमरे में पता नहीं कैसा दिख रहा होगा बट ये हो गया मेरे पिंकिश से चीक। अब हम अप्लाई करेंगे लिपस्टिक और मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी ये वाली लिपस्टिक, तो ये है लैक्मी की और इसका जो शेड है ना वो बता देती हूँ आपको, CR2 है, कैरेमाइन केक, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बोल्ड लिपस्टिक का कलर है तो मैं इसे बहुत हल्का सा लगाऊंगी। डार्क मरून वो वाला कलर है, या सो दिस इज द परफेक्ट कलर। सो आई एम रेडी एवरीबॉडी, मैंने क्या क्या पहना है, मैंने पाव बनाया है बालों का, येलो कलर की बिंदी लगाई है मैचिंग की, आपकी मर्जी है आप लगाना चाहो या नहीं लगाना चाहो, न्यूली वेड्स को लगाना चाहिए। सो ये जो लुक है वो न्यूली वेड्स के लिए है, हाउ जो आप शादी के बाद पहले और दूसरे दिन अपने ससुराल में तैयार होते हो तो कैसे तैयार हो, डिफरेंट तरीके से
से। तो मैंने ना एक हाथ में ये कंगन डाला है चौड़ा सा और एक हाथ में भर के चूड़ियाँ डाली हैं। ना ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, आप दोनों हाथ में चूड़ियाँ भर भर के पहनना चाहते हो, तो मैं तो प्रीफर करूँगी दोनों हाथ में भर भर के चूड़ियाँ पहनो, क्योंकि आपकी शादी के बाद का ये पहला टाइम है और आपको मतलब अच्छे से तैयार होना चाहिए तो अच्छा लगेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे मरून कलर का लिपस्टिक लगाया है और ये इयररिंग्स पहने हैं। तो ये जो इयररिंग्स है ना, ये आपको मेरे इयररिंग कलेक्शन में पता चल जाएगा कैसे दिखते हैं। तो ये मरून कलर के हैं, ये भी रेड कलर के हैं क्योंकि इसमें रेड कलर का बॉर्डर है, तो मैंने इस बॉर्डर से मैचिंग की सारी चीज़ें यूज़ की हैं, नॉट येलो में। सारी येलो में मैंने बस ये बिंदी लगाई है, नथिंग एल्स। फिर मैंने अपने बालों को ओपन कर लिया है, साड़ी पहन लिया और मैंने ना इसके साथ का ब्लाउज नहीं डाला है, मैंने डाला है ये क्रॉप टॉप विच इज़ इन ब्लैक कलर। अगर ब्लैक कलर, क्योंकि शादी में ब्लैक कलर अलाउड नहीं होता है, तो आप मरून ले सकते हो, रेड ले सकते हो, एक रेड कलर का क्रॉप टॉप टाइप एक टॉप, एक अच्छा सा ब्लाउज आप स्टिच करवा के रखवा लो ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। चलो मैं आपको इसका पूरा लुक दिखा देती हूँ गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग कॉमेंट नहीं करते हैं, वीडियो ऐसे देख के चले जाते हैं, प्लीज़ कॉमेंट बिलो। थैंक यू, बाय।